तुष्टो हमद्य तब मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयवती वसृह स्वदेव नावीक्षित समुचितं शपितं मदर्थे। हे मानवी देवहूति मैं तुमसे प्रसन्न हूं, क्या चाहती हो वरदान मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। देवहूति जी ने पैर पकड़ लिए, महाराज मुझे क्या चाहिए, लेकिन संसार का धर्म गृहस्थ आश्रम तब परिपूर्ण माना जाता है जब एक संतान का जन्म हो, तब परिपूर्ण माना जाता है गृहस्थ आश्रम। श्री कर्दम मुनि देवहूति के हृदयगत विचार को समझ गए, संकल्प लिया कर्दम मुनि ने, तो संकल्प लेने मात्र से कामक विमान उपस्थित हो गए। कामक विमान, कामक विमान का मतलब कामनात गमति गच्छति इति कामग। डीजल पेट्रोल का कोई झंझट ही नहीं है, विमान में आप बैठे, आपने संकल्प लिया कि हमें तो करणी माता के मंदिर में जाना है, बस विमान पहुंच जाएगा। आपने संकल्प लिया हमें तो वृंदावन धाम जाना है, विमान पहुंच जाएगा। डीजल पेट्रोल का कोई झंझट नहीं है, कामना की गति से चलने वाला विमान कामक विमान। आज तक कोई भी वैज्ञानिक ऐसा विमान नहीं बना पाया जो मन की गति से चले, और हमारे कर्दम बाबा ने एक संकल्प में बना दिया। ये हमारे संतों का विज्ञान है। विमान की लंबाई चौड़ाई कितना बड़ा विमान है, 1200 किलोमीटर का विमान है। 1200 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई वाला विमान कामक विमान। महल प्रासाद भवन सरोवर सब कुछ उसमें है, ऑल फैसिलिटी, आपको बाहर निकल के कहीं जाना नहीं है। कर्दम मुनि ने देवहूति जी का हाथ पकड़ा, उस कामक विमान में प्रवेश करते। जब कामक विमान में पहुंचे, एक सुंदर सरोवर भरा हुआ था जल से, निर्मल जल। कर्दम मुनि कहते, देवी जाओ इसमें स्नान करके आओ। अब देवहूति जी के शरीर में तो बड़ी धूल मिट्टी लगी है, अब सरोवर में कैसे जाएं, सरोवर का जल तो बड़ा गंदा हो जाएगा। पहले तो आगे बढ़ी सरोवर की ओर, फिर वापस होने लगी, महाराज शरीर बड़ा गंदा है, कितना निर्मल जल है, सब बेकार हो जाएगा। कर्दम मुनि ने संकल्प लिया, सतानी रसगन्यका, 1000 कन्याएं उस सरोवर में से प्रकट हो गई, 1000 कन्याएं। देवहूति माता का हाथ पकड़ा, सरोवर में अंदर ले गई, उबटन लगा लगा के महाराज ऐसा स्नान कराया कि देवांगना जैसा स्वरूप देवहूति माता का प्रकट हो गया। कर्दम बाबा ने भी महाराज अपने योग बल के द्वारा सुंदर अपना देह बना लिया। इसको कहते दाम्पत्य, दाम्पत्य जीवन। पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, ये कर्दम और देवहूति जी से आप सीखिए। और आजकल तो माताओं को हर चीज मैच की चाहिए, हर चीज, साड़ी भी मैच की, सैंडल भी मैच की, वो लगाते हैं नाखूनों में, यानी क्या कहते हैं उसको, नेल पॉलिश, नाखूनों लगाने वाली पॉलिश, जो भी कहते हैं उसको, हर चीज मैच का। माताओं बहनों को पत्नियों को हर चीज मैच की चाहिए, लेकिन पति से मैच नहीं हो रही। हर चीज मैच की चाहिए लेकिन पति के साथ मैच नहीं हो रही, पति से तो मैच खेल रही है, पति से तो मैच खेल रही है। इसको कब बोल्ड करूं मैं, इसको कब बाउंड्री से बाहर फेंकूं, प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो दाम्पत्य जीवन कर्दम और देवहूति जी का। कालांतर में माता देवहूति जी के गर्भ से 9 कन्याओं का जन्म हुआ है। और ध्यान दीजिए, कर्दम का मतलब
जिसने अपनी इंद्रियों पर संयम पा लिया हो। विवाह के बाद देवहूति जी को ठीक से देखा नहीं, समाधि में लीन हो गए। और देवहूति जी का वैराग्य देखिए, देवहूति जी का वैराग्य देखिए, राजकुमारी होते हुए भी पति चले गए तपस्या में तो अपने मायके नहीं गई, पति के आश्रम में रहा, वही निवास किया। जब ऐसा दाम्पत्य जीवन होता है उनके घर में ही भगवान की नवदा भक्ति प्रकट होती है। और भैया कहीं एक भक्ति जीवन में आ जाए फिर तो कहना ही क्या है, व्यक्ति धन्य हो जाता है। और जिसके घर में नौनो नवदा भक्ति प्रकट हो रही है, नौ कन्याओं का जन्म यहां पर हुआ। कर्दम मुनि कहते हैं, देवी मैंने तुमसे कहा था एक संतान होती बाबा जी बन जाऊंगा, अब तो नौ बेटियां हो गई, मैं चला वन को। देवहूति माँ कहने लगी, महाराज मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन एक बात आप बताओ, इन कन्याओं का विवाह कौन करेगा? चलो महाराज मैं ले दे के इनका विवाह भी कर दूंगी, लेकिन इतने इतने लंबे चौड़े विमान में मैं अकेली रहकर क्या करूंगी? कई महाराज एक बेटा और होता आनंद आ जाता। जो पुत्र की कामना की उसी समय कर्दम मुनि को याद आ गया, भगवान ने मुझसे कहा था कर्दम तुम विवाह करो, मैं स्वयं बेटा बनकर तुम्हारे यहाँ आऊंगा। ससा हम स्वांस कलयाय त्वद्वीरेण महामुने तब क्षेत्रे देवहूत्या प्रणस्य तत्व संहिता। कर्दम मुनि कहते हैं, देवी साक्षात प्रभु तुम्हारे उधर से प्रकट होने वाले हैं, और जब भगवान ही यहाँ आने वाले हैं तो मैं जंगल में जाके मैं अकेला क्या करूंगा? कालांतर में कर्दमं वीर्यमापन्नो जगनेरेरिवदारुणः, कालांतर में माता देवहूति जी के गर्भ से भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ है। बोल कपिल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव माता देवहूति जी के गर्भ से हुआ। कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए श्री ब्रह्मा जी महाराज अपने मानस पुत्रों के साथ आए। अच्छा, 10 मानस पुत्र थे, लेकिन 10 में से 9 साथ में आए। 10 में थे नारद जी महाराज, सो घूमने निकले सो घूमते ही रह गए। 9 मानस पुत्रों को साथ लेकर ब्रह्मा जी कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए आए। दर्शन करने के बाद जब चलने लगे तो ऋषि कर्दम कहते हैं, ब्रह्मा जी महाराज आपके यहाँ 9 बालक और मेरे यहाँ 9 कन्याएं, कहीं जोड़ा बन जाए हमारा तो कैसा रहेगा? फिर तो कहता स्वस्थ शीघ्रम, ब्रह्मा जी को तो सृष्टि आगे बढ़ानी थी। फिर तो 9 मंडप सज गए, हमारी कला नाम की कन्या के वहाँ मरीचि मुनि के साथ हुआ, अनुसुईया नाम की कन्या के वहाँ अत्रि मुनि के साथ हुआ, श्रद्धा नाम की कन्या के वहाँ अंगिरा मुनि के साथ हुआ, हविर्भू नाम की कन्या के वहाँ पुलस्त ऋषि के साथ में हुआ, गति का विवाह पुलह के साथ में, ऐसे सभी कन्याओं के विवाह हुए। बेटियाँ चली गई अपने ससुराल, साक्षात भगवान कर्दम मुनि के यहाँ पर। कर्दम मुनि कहते हैं, देवी देवहूति साक्षात ईश्वर तुम्हारे यहाँ विराजमान है, तुम इनसे प्रेम से सत्संग करना, लेकिन मैं चला जंगल को। संन्यास धारण यहाँ कर्दम मुनि ने किया, जंगल में आके तपस्या करने लग गए। इधर विमान में 2 सदस्य, माता देवहूति और भगवान कपिल। एक दिन माता देवहूति भगवान कपिल के पास पहुंची और कहती है, बेटा कपिल मैं देख रही हूँ कि चारों ओर से मुझे कोई कमी नहीं है, चारों ओर से, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी कुछ शेष रह गया है, मेरा मन अशांत है, कामक विमान में रहती हूँ, अनुसुईया जैसी तो मेरी बेटियाँ हैं, भृगु वशिष्ठ जैसे मेरे दामाद हैं, बेटा तेरे कपिल तेरे जैसा, साक्षात मेरे पति कर्दम मुनि जी महाराज, चारों ओर से देख रही हूँ मुझे कोई कमी नहीं है, तब भी मन में कुछ शेष रह गया है। बेटा कपिल आज अपने ज्ञान के खड्ग से जो मेरे हृदय में अज्ञान का पौधा उग रहा है उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दे, काट दे उसको। देवहूति माँ कहती है,
तं त्वागताः शरणं शरण्यं स्वभक्त्य संसारतरो प्रकृति पुरुषस्य नमामि सकलमविदाम्बरेशं तं त्वागतां शरणं स्वागताहं शरणं शरण्यं। बेटा कपिल, आज मैं तेरी शरण में आ चुकी हूं, मुझ पर कृपा कर बेटा कपिल। यहां भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को 8 अध्यायों में सुंदर उपदेश दिया, इसी को कपिलाष्टाध्यायी कहते हैं। सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है। कपिल भगवान कहते हैं, माताजी आप कह रही हो कि आपका मन अशांत है, संसार में मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति दिखा दीजिए जो शांत बैठा हो, जिसका मन ठाकुर जी के चरणों में लगा हुआ हो। माताजी गुणेशु सक्तम बंधाय रतम वा पुंस मुक्तये। हम ये जो मन है यही बंधन और मुक्ति का कारण है। माताजी संसार में हम सुख देख रहे हैं, लेकिन वस्तुतः संसार में सुख नहीं है। संसार का ऐसा कोई विषय है ही नहीं जो हमें पूर्ण कर सके। ये संसार जब अपूर्ण है तो वो हमें पूर्ण कैसे कर सकता है? एक ही है जो पूर्ण है। कौन? पूर्ण मदह पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये संसार अपूर्ण है और हमारे परमात्मा पूर्ण है, बस वही पूर्ण है। इसलिए विषयों से मन को निकालो और ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को लगा। माता जी इस मन का पेट इतना बड़ा है कि कभी भरने वाला नहीं। इस मन का पेट बहुत बड़ा है। गांव में रहते थे, बड़े ध्यान से आप लोग सुने, गांव में रहते थे, गुल्लर धाम में आके अर्जी लगाने लगे, हे काशीपुरी जी महाराज नागौर में एक मकान बन जाए छोटा सा, माला माल हो जाएंगे, बच्चे भी पढ़ते रहेंगे वहां पर और आना जाना लगा रहेगा। गांव में ठीक से स्कूल नहीं है, बच्चे पढ़ते रहेंगे शहर में। रोज आते थे महाराज के दरबार में, चलो काशीपुरी जी ने सुन ली, मकान बनवा दिया। अब मकान बन गया, फिर आ गए महाराज जी के पास। अब महाराज जी मकान तो बनवा दिया आपने, एक गाड़ी और दिलवा दो, गांव से नागौर जाने बड़ा समय लगता, गर्मी भी पड़ रही है, एक गाड़ी और हो जाए। चलो भैया गाड़ी मिल गई, फिर आ गई। अब महाराज जी गाड़ी तो दिलवा दी, कहीं कमरे में एक एसी और लग जाए, आहा आनंद आ जाए, बड़ी गर्मी पड़ रही है महाराज। ये कामनाएं कभी समाप्त तो होने वाली नहीं, ये कामनाएं कभी मिटने वाली नहीं। कामना के कांटे हमारे हृदय में लगे हुए हैं। एक कांटा पैर में लग जाता है बड़ा कष्टकारी होता है,
वो कांटा निकलेगा कैसे, दूसरा कांटा भी उसमें डालना पड़ता है तब जाके पहला वाला निकलेगा। एक के बाद एक कामनाओं के कांटे मन में लगते चले जा रहे, ये हो जाए वो हो जाए। रावण जैसे राजा का मन नहीं भरा तो हम और आपका क्या भरेगा। जब उसका मन नहीं भर पाया, हम तो भैया सोना पहनने के लिए तरसते हैं, वो तो सोने के मेलों में रहता है, लेकिन उसके मन में भी शांति नहीं है। अच्छा, उसको शांति कब प्राप्त होती है, जब सायंकाल के समय भोले बाबा के दरबार में बैठकर जब तांडव स्तोत्र का पाठ करता है तब उसको शांति प्राप्त होती है। सिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहं, सिवेति मंत्र मुच्चरण चरण सदा सुखी भवाम्यहम्, सिवेति मंत्र मुच्चरण सदा सुखी भवाम्यहम्, सिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्, सदा सुखी भवाम्यहम्, सदा सुखी भवाम्यहम्। सिवेति मंत्र मुच्चरण सदा सुखी भवाम्यहम्। रावण को शांति कहाँ मिलती है, हमारे भूत भावन भोलेनाथ के चरणों में बैठ करके। संसार में उसको भी शांति नहीं मिली। देवहूति माँ कहती है, बेटा फिर किसी का मन तो शांत होगा कि सब अशांत हैं। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी एक का मन शांत है, कौन, जो संसार से दूर विरक्त संत रहते हैं उनका मन शांत है, उनका मन शांत है। देवहूति माँ कहती है, बेटा अब कपिल एक बात बता, संत तो बहुत होते हैं, क्या कपड़े रंगने से संत बन जाते हैं। कपिल भगवान के, ना ना माता जी, कपड़े रंगने से संत नहीं होते, संत तो हृदय से होते, यहां से मन से। जहां पे घर बैठ कछु ना बनी, वो वन में बैठ कहां कर ले, जिस पे घर पर ही कुछ नहीं बना वो जंगल में जाके क्या कर लेगा। संत तो मन से होते। कपिल भगवान कहते, माता जी पांच प्रकार के लक्षण जिसमें दिख जाए वही संत है, वही संत है। ये पांच प्रकार के लक्षण कौन कौन से हैं, ध्यान से सुने। कपिल भगवान कहते हैं, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रुवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। पहली बार माताजी, तितिक्षवः, संतों में तितिक्षा बहुत होती है, शांति से बैठना, बिल्कुल। मैंने पहले दिन आके जब श्री बजरंगपुरी जी महाराज का दर्शन किया, शांत, उन्हें किसी से मतलब नहीं, शांत भोले वाले। जो भोले होते हैं, भोले और भाले दोनों, उन भोले भालों को ठाकुर जी देखता है। संसार भले ही ना उनको देखे, होता है ना जो व्यक्ति ज्यादा सीधा होता है उसकी नजर उस पर जाती नहीं है, क्या सीधा साधा है, लेकिन जो अत्यंत भोले भाले होते हैं ठाकुर जी की नजर उन पे सबसे पहले पहुंचती है। चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोता खाए, भोले भाले भगत को तुरत प्रभु मिल जाए, भोले भाले भगत को तुरत प्रभु मिल जाए। तितिक्षवान। और दूसरा कारुणिका, संत में करुणा बहुत होती है, हर व्यक्ति से प्रेरणा लेता है,
मन बड़ा करुणामय होता है, शांत। सुहृदा सर्वदेही नाम। तीसरी बात, जितने भी देहधारी हैं सब में उस ऊपर वाले को ही देखता है। निज प्रभु में देख ही जगत कही सन करही विरोध। जब सब में वो प्रभु को देख रहा है फिर भैया वो बैर भाव किससे करे। निज प्रभु में देख ही जगत, सब में प्रभु को देख रहा है। अजात शत्रु, संतों का कोई शत्रु नहीं होता। माला पहना दी तो खुश नहीं होते, धक्के मारकर बाहर निकाल दिया तो नाराज नहीं होते। अजात शत्रु, संतों का कोई शत्रु नहीं होता। एक बार क्या हुआ कि एक संत नौका विहार कर रहे थे। नौका समझ के, नाव। नाव में संत बैठे और गंगा जी को पार कर रहे थे। अकेले संत बैठे हुए थे, केवट चला रहा था। इतने में एक स्कूल की छुट्टी हुई और कुछ नवयुवक छात्र छात्राएं उस नौका में आके बैठ गए। कुछ जो छात्र थे वो बड़े उदंड थे, थोड़े से संत का मजाक उड़ाने लगे। महाराज जी, आपकी दाढ़ी असली है कि नकली? और महाराज जी, ये कमंडलू कहां से ले आए आप? ये छाता कहां से? अब चिढ़ाने लगे संत को। संत सीधे साधे थे, शांत एकदम। संत विचार करने लगे, थोड़ी समय की बात है, नाव उस पार पहुंच जाएगी, हम अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, हमको क्या करना है इनसे। संत तो सहन अपना अपमान कर गए, संत तो सहन कर गए, लेकिन ठाकुर जी सहन नहीं कर पाए। संत तो अपने अपमान को सहन कर गए लेकिन ठाकुर जी नहीं कर पाए। ठाकुर जी उस संत के हृदय में आ गए और हृदय में आकर कहते हैं, हे संत, हे महाराज, ये छात्र छात्राएं आपका अपमान कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा क्रोध आ रहा है, लेकिन आप तो सहन कर रहे हो, मुझ पर सहन नहीं हो रहा। आप कहो तो मैं नौका को पलट दूं, इन सबको डुबा कर मार डालूंगा और आपको बचा लूंगा। आप कहो तो नौका को पलट दूं, तो पता है संत क्या कहते हैं भगवान से? संत कहते, पलटना है तो इनकी बुद्धि क्यों नहीं पलट देते? आपको पलटना है तो इनकी बुद्धि क्यों नहीं पलट देते? इनकी बुद्धि पलट जाएगी, अभी अपमान कर रहे हैं, बाद में सम्मान करने लग जाएंगे। संत स्वप्न में भी किसी का अहित नहीं सोच सकता, स्वप्न में भी। अजात शत्रु होते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होता। शांता, संत बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं। साधव, साध भूषणा, ये संतों के पांच लक्षण होते हैं। ऐसे संतों की चरण शरण ग्रहण करने से हम भक्तों को लाभ क्या प्राप्त होता है? सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणा दास्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्वक्रनुगमिष्यति। ऐसे संतों की चरण शरण ग्रहण करने से श्रद्धा रति और भक्ति हमको प्राप्त हो जाती है। ऐसे संतों के चरणों में हम सभी मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। और देखो आज तो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, यहां भी संत और यहां भी संत। देवहूति माँ ने एक प्रश्न और किया, बेटा कपिल, भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे श्री कपिल भगवान कहते, माता जी, तीन प्रकार के भक्त होते हैं। भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला भक्त तो वो होता है जो ठाकुर जी की मूर्ति में ठाकुर जी को देखे, पहला वो भक्त होता है। लेकिन भैया हमें तो ठाकुर जी दिखाई भी नहीं पड़ते, हमें तो संगमरमर दिखाई पड़ता है, अष्ट धातु दिखाई पड़ती है,
मूर्ति बड़ी पुरानी है, संगमरमर की है, शायद अष्ट धातु की है। अब भैया जब मूर्ति में धातु दिखाई पड़ रही तो भगवान कैसे दिखाई पड़ेंगे? सबसे पहले मूर्ति में भगवान को देखने का प्रयास करो, ये प्राइमरी की कक्षा है, ये प्राइमरी की कक्षा। पीएचडी कक्षा तो बहुत बाद में आएंगी, पहले प्राइमरी पास करो। भगवान की मूर्ति में भगवान को देखना ये बहुत बड़ी बात है, हर कोई नहीं देखता। और जब भगवान की मूर्ति में भगवान को देखने हम लग जाएं, फिर दूसरी क्लास। संतों में और भगवान में कोई अंतर ना समझे। ये जो संत हैं ये चलते फिरते तीर्थ हैं। संत जहां पर बैठ जाएं वही तीर्थ हो जाता है। यहां देखो इतने बड़े जंगल में यहां संत विराजमान हुए, एक छोटा सा दीपक जलाया ज्ञान का, कितने लोग प्रकाश ले रहे हैं। देखो एक दीपक जलाया छोटा सा काशीपुरी जी ने, और देखो कितने लोग आनंद ले रहे हैं। ये गंगा आई है यहां पर, देखो कितने सारे भक्त आए हैं। तो ठाकुर जी में और संतों में हमें कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। तब जाकर आप पीएचडी की क्लास पास करोगे, सी है राम में सब जगह जाने, तब जाकर यह भाव होगा। पहले मंदिर की मूर्ति में ठाकुर जी को देखो, और जब सब में ठाकुर जी दिखने लग जाएं तब समझ लो ठाकुर जी कृपा आपके ऊपर हो रही है। एक नामदेव जी महाराज हुए हैं, महाराष्ट्र के संत हैं, 59 बार ठाकुर जी की बात उनसे हुई है, ठाकुर जी का दर्शन 59 बार हुआ नामदेव जी को। तो पहले नामदेव जी महाराज ठाकुर जी की मूर्ति में ठाकुर जी को देखते, फिर धीरे 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 इतना भाव पुष्ट हुआ, इतना भाव पुष्ट हो गया कि एक दिन ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए रोटी बना रहे थे, रोटी सेक रहे थे। अच्छा रोटी बनकर के तो तैयार हो गई, घी की कटोरी लेने के लिए अंदर कमरे में चले गए। जैसे ही घी की कटोरी लेने के लिए अंदर कमरे में गए, एक भैया कुत्ता ना जाने कहां से आ गया। वो कुत्ता आया रोटी मुख में दबा कर 9-2-11 हो गए, कुत्ता भाग गया रोटी लेकर के। जैसे ही श्री नामदेव जी महाराज कमरे से बाहर निकले और जब कुत्ते को जाते देखा मुख में रोटी दबा करके, वो उस कुत्ते के पीछे भागने लगे। अरे प्रभु सूखे सूखे टिक्कर क्यों खाते हो, आपके सेवक के पास घी तो है, सूखे टिक्कर खाओगे गले में अड़ जाएंगे महाराज, आपको कष्ट होगा, आप सूखे टिक्कर मत खाइए, आप प्रेम से भोग लगाइए, पहले घी तो लगाने दीजिए। इतना भाव पुष्ट था, उस स्वान देह से भगवान विट्ठल प्रकट हो गए, विट्ठल आ गए, विट्ठल प्रकट हो गए, ये भाव पुष्ट था। तो भगवान कहां नहीं है, ईशावास्यमिदं सर्वं वासुदेव सर्वमिति सर्वम खलमिदं ब्रह्म हरि व्यापक सर्वत्र समान, सिया राम में सब जग जाने। हर जगह भगवान है, जहां भक्त की हां भगवान वहां, भगवान हर जगह है। पहले अपने भाव को तो आप पुष्ट कीजिए। एक चौथे प्रकार का भक्त भी यहां बताते हैं, दीयमानं न ग्रहणन्ति बिना मत सेवनं जना। भक्त भगवान को दे रहा है लेकिन भगवान कहते भैया तूने तो बहुत दे दिया, अब तू मुझसे कुछ मांग ले। भगवान कह रहे हैं भक्त से, और भगवान से जो कुछ ना मांगे ये चौथे प्रकार का भक्त है। दीयमानं न ग्रहणन्ति बिना मत सेवनं जना, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। कपिल भगवान कहते माता जी संसार का प्रत्येक प्राणी संसार में आता है, खूब कष्ट पाता है, लेकिन ठाकुर जी का भजन नहीं करता। निरंतर भजन करना चाहिए ठाकुर जी का। एक संत हुए हैं वृंदावन में, तो पहले वह संत माला खूब जपते थे, माला। अच्छा माला जपना उन्होंने बंद कर दिया एक दिन, फिर करमाला जपने लगे। करमाला होती ना हाथ से जपते माला,
तो माला जपना बंद कर दिया, फिर करमाला जपने लगे हाथों से। अच्छा, एक दिन उन्होंने करमाला जपना भी बंद कर दिया, अब क्या करते हैं? अब मन से ठाकुर जी का भजन करते हैं, मन ही मन जपते रहते हैं। और एक बार तो भैया उन्होंने जपना भी मन से बंद कर दिया, अब क्या करते हैं? बोले टांड पट्टा सोते रहते हैं। किसी ने पूछा, महाराज आप पहले बड़े भजनानंदी थे, अब भजन करना छोड़ दिया क्या आपने? तब वो कहते, नाना माला जपो न कर जपो, जिहुआ जपो न राम। क्यों? क्योंकि सुमिरन मेरा हरि करे मैं पावा विश्राम। सुमिरन मेरा हरि करे, पहले मैं ठाकुर जी को भजता था, अब ठाकुर जी मुझको भजते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरा काम खत्म हो गया, मैं तो टांड पट्टा सोता हूं। सुमिरन मेरा हरि करे मैं पावा विश्राम, मेरा काम खत्म हो गया, मेरा तो काम सोने का रह गया बस। इतना सुंदर उपदेश दिया, इतना सुंदर उपदेश दिया। माता देवहूति कहती, बेटा कपिल मैंने तेरे उपदेश का बस एक ही सार निकाला है कि अहो वतस्व वचोतो गरीयान यज्जोहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसकी जिहवा पर भगवान का नाम है वह स्वपच भी है तो सबसे कल्याणकारी है। तुलसी भगत स्वपच भलो जो भजे रेन दिन राम, ऊंचे कुल के ही काम के जहान हरि को नाम। माता देवहूति ने कपिल भगवान को प्रणाम किया, पूरा शरीर जल में परिणत हो गया, बिंदु सरोवर के नाम से जाना जाता है गुजरात में। और भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को प्रणाम किया, गंगा सागर में जाके विराजमान हो गए। मकर संक्रांति के दिन हम सभी भक्तगण उनकी पूजा अर्चना करते हैं। बोल कपिल भगवान की। यहाँ भागवत का तृतीय स्कंद विराम होता है, आइए अब हम सभी लोग चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। चतुर्थ स्कंद का नाम है विसर्ग। मनोस्तो शतरूपाया तिस्रह कन्या से जगनी रे आकुर्तिर देवहूतिश्च प्रसूतिरिति वृश्रुता। शुदेव जी कहते, राजन मैंने मनु महाराज की जो मझली पुत्री देवहूति हैं उनकी कथा आपको सुनाई। अब मनु महाराज की जो सबसे बड़ी पुत्री आकूति हैं, इनका विवाह अर्जुन प्रजापति के साथ में हुआ, इनके यहाँ साक्षात भगवान यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या के साथ में हुआ। सबसे छोटी बेटी जो प्रसूति है, इनका विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में हुआ। 16 कन्याएं हुई इनके यहाँ पर, 13 कन्या धर्म को ब्याही गई। धर्म की मूर्ति नाम की पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण का जन्म हुआ, जो आज भी बद्री विशाल में विराजमान है। बोल नर नारायण भगवान की जय। 13 धर्म को बिहाई गई, एक अग्नि देव को, एक पितृगणों को, और सबसे छोटी बेटी सती हमारे भूत भावन भोलेनाथ को बिहाई गई। लेकिन श्री सुखदेव जी कहते, राजन सती के कोई संतान ना हो सकी। क्यों महाराज? क्योंकि उन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया था। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बड़े ध्यान से इस कथा को सुनो। तब श्री सुखदेव जी बड़ी रोचक विधि के द्वारा इस कथा को श्रवण कराते हैं। बोले कि जिस समय दक्ष प्रजापति बने, बड़े ध्यान से आप सुने, प्रजापतियों का पद देवताओं से भी बड़ा होता है, जो देवता होते हैं इनसे भी बड़ा प्रजापतियों का पद होता है। जब दक्ष प्रजापति बने, ओ भैया जब कुर्सी आती है तो प्रभुता पाए काहे मद नाही। प्रभुता पाने के बाद किसको मद नहीं आया। दक्ष जब प्रजापति बने तो सभी देवी देवताओं ने दक्ष का स्वागत समारोह रखा।
उस स्वागत समारोह में ब्रह्मांड के सभी देवता विराजमान हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता उसमें विराजमान हैं। दक्ष जैसे ही सभा में आया, सब खड़े हो होकर महाराज दक्ष का स्वागत कर रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं और माला पहना रहे हैं, लेकिन दक्ष किसी को नहीं देख रहा। ध्यान दीजिए, जो बहुत अभिमानी होता है, चाहे कितने भी उसका स्वागत करें, कितने भी लोग उसको माला पहनाएं, उसका ध्यान उनके ऊपर नहीं होगा, तो किन पर होगा? उसका ध्यान तो उनके ऊपर होगा कि कौन मेरा स्वागत नहीं कर रहा, कौन मुझे माला नहीं पहना रहा है। उनका उसका ध्यान तो उनके ऊपर होता है, इनको देखूंगा बाद में, मेरा स्वागत नहीं किया उन्होंने। सब खड़े होकर प्रजापति दक्ष का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन तीन खड़े नहीं हुए। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी ने विचार किया, मेरा तो बेटा लगता है, और बेटा चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो जाए, पिता कभी खड़े नहीं होते स्वागत में। भगवान नारायण विचार करने लगे, जब इनका बेटा है तो मेरा तो नाती लगेगा, मैं तो बाबा हूं दक्ष का, मैं खड़ा क्यों हूं। अब इन दोनों के बीच में बैठे हुए थे हमारे भोलेनाथ। भोलेनाथ विचार करने लगे, वैसे तो हमारे ससुर जी लगते हैं, लेकिन चलो जब ये खड़े नहीं हो रहे, ये खड़े नहीं हो रहे, तो बीच में हम काहे को खड़े होए। मन ही मन प्रणाम कर लिया, लेकिन दक्ष प्रजापति ने देखा सब खड़े हुए, लेकिन ये तीन खड़े नहीं हुए। ये खड़े क्यों नहीं हुए? ब्रह्मा जी खड़े क्यों नहीं हुए? मेरे पिता लगते हैं, कोई बात नहीं, भगवान नारायण मेरे बाबा जी हैं, फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये शंकर खड़ा क्यों नहीं हुआ? ये तो मेरा दामाद लगता है, इसको खड़ा होना चाहिए, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ? सिंहासन पर बैठा और भाषण चालू। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो मे सहदेवा सहाग्नयः साधूनां प्रवर्तो वृत्तम् नाज्ञानं च मत्सराः। श्रूयताम देवर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि सभी महात्मा सभी देवता मेरी बात ध्यान से सुने। देवता विचार करने लगे, प्रजापति का भाषण तो सभा के विराम में होता है, ये पहली कैसे चालू हो गए? कहिए कहिए महाराज क्या बात है? दक्ष प्रजापति कहते हैं, सभ्य समाज में यदि कोई असभ्य आकर बैठ जाए तो सभा का आनंद बेकार हो जाता है। अच्छा, सभी देवता एक दूसरे की ओर देखने लगे, यहां असभ्य कौन बैठा हुआ है? सब तो सभ्य बैठे हुए हैं। दक्ष कहता है, अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता ये शंकर? अब इसको सभ्यता आएगी कहां से? प्रेतावासु गेरु घोरेसु, भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला, मरघट में रहने वाला, चिता की भस्म का पाउडर लगाने वाला, नरमुंडों की माला पहनने वाला, इसको सभ्यता कहां से आएगी? एक ने धीरे से कह दिया, अच्छा अब इनमें अवगुण दिखाई पड़ रहे हैं, और तब दिखाई नहीं पड़े जब अपने पुत्री सती का विवाह इनके साथ आपने कर दिया था। उसी समय बोला दक्ष, हाँ हाँ मुझे क्या बताते हो, मेरे पिता ब्रह्मा सामने बैठे, पूछ लो इनसे, मैंने तो लाख मना किया था, ये नहीं माने, नहीं कहा मेरी मृगलोचनी कन्या, और कहा ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। ग्रहित्वा मृगसा वाक्षा पाणी मरकट लोचन, मरकट लोचन भगवान शंकर को कह दिया। अब भोलेनाथ तो मुस्कुराए रहे हैं, लेकिन नंदीश्वर से सहा नहीं गया। हरि हर निंदा सुनहि जो काना होए पाप गौ घात समाना, स्वामी की निंदा करने वाली की तो जीव खींच लेनी चाहिए। जैसे ही नंदीश्वर खड़े हुए, हमारे भोलेनाथ ने इशारा कर दिया, नंदीश्वर अपनी जगह बैठो। अरे महाराज ऐसे कैसे बैठो, कब से आपको गाली दिए चला जा रहा है, ये आपको सुनाई नहीं पड़ रहा? भोलेनाथ मुस्कुराकर कहते हैं, भैया नंदीश्वर ससुराल की गाली अच्छे अच्छों को खाना पड़ जाती है, कितनी बड़ी बड़ी मूछे वाले हो महाराज, ससुराल की गाली से भी बच नहीं सका आज तक। अंतर सिर्फ इतना है, कोई शादी में खाता है, हम शादी के बाद में खा रहे हैं, लेकिन ससुराल की गाली भैया अच्छे अच्छों को खाना पड़ जाती है। नंदीश्वर कहते, महाराज जब आपको सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्रेम से सुनो बैठे बैठे।
अच्छा एक बात बताओ, आप किसी पर नाराज हो, खूब गुस्सा करो, और जिस पर आप गुस्सा कर रहे हो वो आपको देखकर हंसे, तो गुस्सा तो और बढ़ जाएगा। कैसा बेवकूफ है, हम तो नाराज हो रहे हैं, वही हंस रहा है हमें देखकर। अच्छा प्रजापति दक्ष खूब गुस्सा कर रहा है, लेकिन हमारे भोलेनाथ प्रेम से मुस्कुरा रहे हैं दक्ष को देख करके। दक्ष का क्रोध आपे से बाहर हो गया, श्राप दे दिया, मैं श्राप देता हूं इस शंकर को, किसी भी यज्ञ में इसको कोई भाग न दिया जाए। ये बात जब प्रजापति दक्ष ने कही, अब हमारे नंदीश्वर से सहन ही नहीं हुआ, खड़े हो गए। प्रजापति दक्ष, तुम जब से आए हो मैं देख रहा हूं, तब से बहुत बकबक किए जा रहे हो, मैं श्राप देता हूं तो तुम्हारे बकरे का सिर लग जाए। दक्ष का पक्ष लेते हुए भृगु मुनि गाड़ी दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए खड़े हो गए। ए नंदेश्वर, ससुर दमाज के आपसी झगड़ में तू बीच में कैसे बोला, मैं भी श्राप देता हूं शिव जी के गढ़ सब पाखंडी हो जाए। शिव जी के गढ़ सब खड़े हो गए। ए बट्टे बाबा, तूने हमसे पाखंडी कैसे कह दिया, हम भी श्राप देते हैं, तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिग मंगा है जाए। सर्वभक्षात जात यह। अब भोलेनाथ विचार करने लगे, भैया ये स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह हो रहा है, जिसके मन में जो आ रहा है वही श्राप दिए चला जा रहा है, ये सब हमारे कारण हो रहा है। भोलेनाथ खड़े हुए, नंदी भृंगी श्रृंगी आदि गणों को साथ लेकर सीधे कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। कैलाश पर आए, लेकिन अपने अपमान की घटना कभी देवी सती को नहीं बताई। भला ऐसा हो सकता है कि ससुर जी दामाद को डांट दें, कुछ हल्ला कर दें, और दामाद साहब अपनी बीवी से जाकर कुछ ना कहें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे तेरे बाप ने ऐसा ऐसा कहा मेरे से, कुछ ना कुछ तो भैया बोल ही देंगे। लेकिन हमारे शांत भोलेनाथ नितांत एकांत में शांत भाव से अपने कैलाश पर विश्राम कर रहे हैं। दक्ष विचार करने लगा, इस शंकर ने मेरा पूरा स्वागत समारोह बेकार करवा के रख दिया, भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए इसने क्या किया, हरिद्वार में कनखल में जाकर के, हरिद्वार के पास में कनखल है ना, हरिद्वार में कनखल में जाकर के इस प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन और कर दिया। इस यज्ञ में ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन हमारे भूत भवन भोलेनाथ को कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी। आज सवेरी सवेरे आकाश मार्ग से सभी देवांगना निकल रही है। सती मैया ने पूछ दिया एक देवांगना से, बहना आज बन ठनक तू कहां जा रही है सवेरी सवेरे। वो देवांगना कहती है, तुमको नहीं पता, अरे तुम्हारे पिता दक्ष ने कितना बड़ा यज्ञ किया है कनखल में, तुम्हें नहीं चलना क्या। सती जी कहती है, आप चलो, मैं पीछे से आती हूँ, आप चलो आगे आके। अब सती जी विचार करने लगी, पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया है और मुझको नहीं बुलाया, निश्चित भूल गए होंगे, विस्मरण हो गया होगा, लेकिन मुझे चलना चाहिए। उसी समय हमारे भोलेनाथ के पास पहुंची, पैर दबाने लगे, जैसी पैर दबाने का प्रयास किया, बम भोले कहकर भोलेनाथ की समाधि खुल गई। मन की बात समझ गए, देवी सती तुम्हारे मन में क्या बात है कहो। सती जी कहती, हमारा मन में तो कोई बात नहीं है, हम तो पतिव्रताओं का धर्म ही है पति की सेवा करना। भोलेनाथ कहते हैं, आज तुम सेवा कुछ ज्यादा ही कर रही हो, बताओ मन में कोई बात है क्या। तब देवी सती कहती है, प्रजापतस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्र विसराम वामते यद्यर्थिता विबुदा व्रजन्ति। सती मैया कहती है,
प्रजापतस्ते ससुरस्य सांप्रतम। महाराज, आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में कितना बड़ा यज्ञ कराया है, आपको नहीं चलना क्या? देखिए, सती का मतलब चातुर्य। दक्ष की बेटी है ना, दक्ष की बेटी सती है, इसलिए चतुर तो है ही। बात को कितनी घुमा करके कहती है, आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में कितना बड़ा यज्ञ किया है, आपको नहीं चलना क्या? वैसे देखा जाए व्यवहार में तो आप देखिए, माताओं की यदि मायके की बात आए तो बड़ा चढ़ाकर कहती हैं, मेरे मायके में ये सब होता ही रहता है, इनके यहां तो कुछ नहीं होता, मेरे मायके में बहुत होता है। लेकिन सती जी की शब्दावली आप देखिए, ये नहीं कह रही कि मेरे पिता के यहां इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, आप सब चलिए, ये नहीं कह रही। आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में कितना बड़ा यज्ञ कराया है, आपको नहीं जानना? तब भोलेनाथ कहते हैं, देवी कोई चिट्ठी पत्री आई है वहां से, कोई कार्ड वगैरह आया है? सती जी कहती, क्षमा करना महाराज, चिट्ठी पत्री तो कुछ आई नहीं है। भोलेनाथ कहते, देवी जब कोई कार्ड या चिट्ठी पत्री नहीं आई तो हम जाएं कैसे, अब बिन बुलाए तो जा ही नहीं सकते। सती जी कहती, महाराज लेकिन चिट्ठी भेजी तो अवश्य होगी, लेकिन आप ऐसे घनघोर जंगल में रहते हो, बेचारा डाकिया आया होगा, रास्ता नहीं मिली होगी, सो लौट कर चला गया होगा, कभी कभी डाक मिस भी हो जाती है, इसलिए महाराज हमें तो चलना चाहिए यहां से। तब भोलेनाथ कहते, देवी सती आपके पिता ने चिट्ठी पत्री भेजी ही नहीं है। आप कैसे कह सकते हो कि नहीं भेजी? तब वो पुराने अपमान की घटना आज बताते हैं कि देवी उस दिन हम गए थे स्वागत समारोह में, बस खड़े नहीं हुए, तुम्हारे पिता ने इतनी तो गालियां सुनाई हमको और श्राप दे दिया, शंकर को किसी भी यज्ञ में कोई भाग ना दिया जाए। देवी कोई बाढ़ चला दे तो घाव तो होगा, अब तो आयुर्वेद में ऐसी ऐसी औषधियां आ गई हैं कि घाव भर जाएगा, वो चिन्ह भी मिट जाएगा, लेकिन देवी जो वाणी के बाण होते हैं, वाणी के बाण, और किनकी वाणी के बाण? अपनों की वाणी के बाण जब चलते हैं देवी तो यहां हृदय में लगते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, हृदयस्थ उनका घाव होता है, और देवी वह घाव कभी मिटते नहीं है, वो घाव कभी नहीं मिटते। इसलिए देवी अपने पिता के यज्ञ में जाने का ख्याल छोड़ दो, मन से बाहर निकाल दो, तुम जाओगी वहां पर, मैं तुमको रोक नहीं रहा, लेकिन तुम जाओगी वहां पर, मेरा अपमान तुमको वहां दिखाई पड़ेगा, तुम अपने अपमान को तो सहन कर जाओगी, और जब मेरा अपमान होगा तुम सहन नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम वहां मत जाओ। अब तो सती जी के मन में जाने की और उत्कंठा हो गई, अब तो महाराज मुझे आज्ञा दे दीजिए, इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई कैसे, महाराज मुझे बताना चाहिए आपको उसी समय। भोलेनाथ कहते हैं, देवी सती आने जाने में तब अच्छा लगता है जब प्रेम हो, जहां हम जा रहे हैं, जिसके जहां जा रहे हैं वो हमको देखकर मुंह घुमा ले, बात ही ना करें, चाहे ऐसे स्थान पर सोने चांदी की वर्षाद क्यों ना हो रही हो, हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं ननन नहीं सने, आवत ही हर से तुलसी तहां न जाइए, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे, अवधि हर से नहीं
कंचन बरसे कंचन बरसे आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे तुलसी तहां ना जाए हमारा अपमान वहां हो रहा है सोने चांदी की वर्षा क्यों ना हो रही हो हमें वहां कदम भी नहीं रखना चाहिए इसलिए देवी सती तुम वहां पर मत जाओ और जाने का ख्याल अपने मन से निकाल दो। अब तो सती जी के मन में जाने की बहुत उत्कंठा हो गई। अब महाराज आप नहीं जा रहे तो मुझे आज्ञा दे दो मैं चली जाऊंगी और महाराज मैं जाऊंगी अपने पिता को समझाऊंगी मनाकर यहां लाऊंगी वो आपको आपसे क्षमा याचना मांगेंगे आपको अपने साथ लेकर चले जाएंगे आप मुझको तो आज्ञा दे दो। समझ गए भोलेनाथ हरि इच्छा भावी बलवान इसमें हरि की इच्छा है। देवी सती तुम्हारे मन में जो आए सो करो हमसे कुछ मत पूछो समाधि लगाकर बैठ गए। निष्क्रामति निर्विशति निष्क्रामति निर्विशति मन कभी जाने को कर रहा है और चली जाती है बाहर फिर विचार करती है रहना तो उनके साथ ही है कहीं ये नाराज हो गए तो मैं क्या करूंगी फिर लौट कर आगे। अच्छा महाराज देखो आप नहीं जा रहे तो मुझसे तो कम से कम कह दो मैं चली जाती हूँ आप जा भी नहीं रहे और मना भी कर रहे हो ये कोई बात होती है मेरे से तो कह दो महाराज। अब तो भोलेनाथ ने कहना भी बंद कर दिया शांत बैठे। अच्छा महाराज आप मेरे को आज्ञा नहीं देते तो मैं चली चली गई बाहर कैलाश में। फिर मन में आया नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए बिना आज्ञा के मैं नहीं जा सकती फिर लौट करके आ गई। अच्छा सती जी जब चली जाती है कह करके तो भोलेनाथ धीरे से आंख खोल के देख लेते हैं क्या चली गई और जैसी लौटती हुई दिखाई पड़ती है फिर समाधि लगा कर बैठ जाती है। लेकिन अब तो देवी सती ने विचार कर ही लिया अब तो कुछ भी हो जाए मैं जाकर के ही रहूंगी चली गई बाहर लौट कर नहीं आई। फिर भगवान श्री भोलेनाथ ने नंदी भृंगी सृंगी आदि गणों को बुलाया सबसे कहते जाओ सती जी को ससम्मान उनके घर छोड़ करके आओ नंदीश्वर पे आरूढ़ होकर हमारी माता सती पिता की यज्ञ में पहुंची। जो देवता देखकर सती महारानी को प्रणाम करते थे आज वो सती जी की ओर देख ही नहीं रहे अनदेखा कर रहे हैं। इतना अपमान जब सती जी ने देखा भोलेनाथ ठीक कह रहे थे मुझे नहीं जाना चाहिए यहां पर आ गई अब क्या करूं अब आ तो गई हूं माता के पास चलना चाहिए मेरी माता प्रसूति के मन में मेरे प्रति क्या भाव है के पास चलना चाहिए। 16 बहनें थी सती 16 बहनें सब चिढ़ाने लगी देखो बहना सती बिना नौता के आ गई इसको पिताजी ने बुलाया नहीं था तब भी चली आई है मैं होती तो मैं नहीं आने वाली चिढ़ाने लगी बहने। लेकिन सती जी के न आने का यदि हार्दिक कष्ट किसी को था तो माता प्रसूति को। माता के भवनों में जब बेटी पहुंची प्रसूति माता ने सती जी को आते देखा अपने अंक में भर लिया सादर भला ही मिली एक माता सादर भला ही भगनी मिली बहुत मुस्काना भगनी मिली बहुत मुस्काना भगनी मिली बहुत मुस्काना भगनी मिली बहुत मुस्काना सदर भलाई मिली
सादर भरही मेरी सादर भरही सादर सादर भलही मिली एक माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता। माता से मिलने के बाद बेटी सती अब जहां पर यज्ञ हो रहा था, बड़े ध्यान से आप सुने, जहां पर यज्ञ चल रहा था वहां पहुंची। यज्ञशाला में जब पहुंची तो पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं का भाग उस यज्ञ में रखा हुआ है, सबका भाग देखा। लेकिन जब भोलेनाथ का कोई भाग नहीं देखा, अब नाराज हुए। अरुद्र भागम तमेक्ष चाध्वरम पित्रा च देव कृत नीलम विभो अनादृता यज्ञ सदस्वरी स्वरी चुकोपलोका निवधक्षते रुसा। रुद्र भाग, जब रुद्र का कोई भाग नहीं दिखा, अब चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। कहती है प्रजापति दक्ष, मुझे तो घृणा हो रही है आज तुमसे पिता कहने में। मैं एक शिव द्रोही की पुत्री हूं, शिव कहने से व्यक्ति के सारे पाप कट जाते हैं, और ऐसे भगवान शिव से तूने बैर किया। यद्वक्षरम नाम ग्रीरितम नृणाम सतक प्रसंगात अघमासुहंती तत्। शिव कहने से दो अक्षर का नाम अघमासुहंती तत् सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, ऐसे भगवान शिव से तूने वैर किया। मुझे घृणा हो रही अपने शरीर से, मैं एक शिव द्रोही की पुत्री हूं, अब मैं इस कलेवर को धारण नहीं करूंगी। न धारिष्य कलेवरम सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जागी नहा। उसी समय पद्मासन में बैठी, अग्निदेव का स्मरण किया, आग की लपटें शरीर में से निकलने लगी। देखती देखते माता सती का देह भस्म होने लगा। बोल सती मैया की जय। इधर नंदी भृंगी श्रृंगी आदि गणों ने जब माता सती का देह भस्म होते हुए देखा, चिल्लाने लगे, अरे माता जी को क्या हो गया, इस यज्ञ को अब पूरा नहीं होने देंगे, विनाश कर देंगे इस पूरी यज्ञ का। यज्ञ की बल्लियां उखाड़ने लगे, लेकिन भृगु मुनि ने रक्षोण हर मंत्र के द्वारा ऐसी शक्तियां यज्ञ में से निकाल दी, इतनी पिटाई लगाई महाराज नंदी भृंगी श्रृंगी आदि गणों की, सभी गण भागते नजर आए। और इधर हमारे पुराने जमाने के पत्रकार श्री नारद जी महाराज, पुराने जमाने के पत्रकार कौन, नारद जी महाराज पहुंच गए भोले बाबा के पास। भोले बाबा गजब हो गया, क्या हो गया, जैसे हम थे वैसे आप हो गए। प्रेम से बोली राधे राधे। राधे राधे क्या मतलब, नारद जी कहते महाराज क्या बताएं, माता सती अपने पिता से मिलने के लिए गई यज्ञ में, मिलना तो चूल्हे में चला गया। बेटी मिलने के लिए आई, ऐसा धक्का मारा देवी सती में पिता दक्ष ने कि सती जी हवन कुंड में जाके सीधे स्वाहा हो गए। और भैया पत्रकारों की अपनी अपनी विशेषता है, किस समाचार को किस प्रकार से छापे वो। हमारे नारद जी महाराज ने ऐसी खबर चटपटी पेश की, फिर तो महाराज भोलेनाथ को इतना क्रोध आया अपनी जटा उखाड़ी जमीन में पटक दी। पटकने मात्र से एक गण प्रकट हो गया, नाम था वीरभद्र। किम करोमि स्वामी, क्या करूं। भोलेनाथ आदेश देते हैं, दक्षम स्वयज्ञम जहि, दक्ष को यज्ञ समय समाप्त कर दो, ये मेरा आदेश है। भागे नंदी श्री वीरभद्र जी महाराज उस यज्ञशाला की ओर, दसों दिशाएं थर्राने लगी इतना क्रोध। जो नंदी भृंगी श्रृंगी आदिगण पिट करके आ रहे थे, जब महाराज वीरभद्र जी को देखा तो उनके शरीर में भी ताकत आ गई। सभी गण वीरभद्र जी के पीछे पीछे चलने लगे, इतना तेज दौड़ रहे थे कि धूल उड़ने लगी महाराज, तूफान आने लगा। जो यज्ञ में होता हवन कर रहे थे, एक कहता है इतना ये तूफान कैसे आ रहा है, एक कहने लगा चोर चोरी करके भाग रहे होंगे जो तूफान हो रहा है, दूसरा कहने लगा नहीं प्राचीन वरही के राज्य में चोर तो हो ही नहीं सकते, इस समय प्राचीन वरही का राज्य चल रहा है। एक कहता है गौ माता घास चर के
जंगल से गांव की ओर जा रही है, उनके चलने से धूल उड़ रही है। दूसरा कहता है, नाना ये गोधोली बेला तो है ही नहीं। तीसरा कहता, मुझे ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान शिव का क्रोध ही हमारे सामने चला रहा है, जल्दी भाग लो यहां से, नहीं एक नहीं बचने वाला। भागने लगे, बातान बांति नहीं संति दशब प्राचीन वर ही जीवती हो गावो न काल्यंत इदं कुतो रजो लोकोधना किं प्रलयाय कल्पते। प्रलयाय कल्पते, प्रलय का दृश्य मालूम पड़ा, होता लोग भागने लग गए, देवता लोग भागने की कोशिश करने लगे। इतने में कहां भाग पाते, उस पूरे तूफान ने यज्ञशाला को चारों ओर से घेर लिया, सभी को बंदी बना लिया। वीरभद्र प्रजापते चंडी संपूषणम देवम भगम नंदीश्वरो ग्रही सबको पकड़ लिया, सबको लाइन में बनाकर खड़ा कर दिया। बताओ किसको क्या दंड दिया जाए। नंदीश्वर कहते हैं, महाराज ये जो भृगु मुनि है ना, इनकी दाढ़ी लंबी है, ये भृगु मुनि है, हम पिट रहे थे, दाढ़ी पर हाथ घुमा घुमा कर हमको बहुत चिढ़ा रहे थे। वीरभद्र को आया गुस्सा, दाढ़ी मूछ पकड़ी और एक झटका लगाया, दाढ़ी मूछ हाथ में आ गई, हवन कुंड में स्वाहा। और बताइए, ये जो हमारा पूसा देवता है ना, हम पिट रहे थे तो ही करके ये दांत दिखा रहे थे, एक मुक्का मारा मारा वीरभद्र जी ने, पूसा की बत्ती सी बाहर आ गई। और बताइए, ये जो भग देवता है, हम पिट रहे थे, आंखें मटका मटका कर यूं ऐसे चढ़ा रहे थे। वीरभद्र जी ने अपनी दोनों उंगलियां भग की आंखों में डाली और आंखों को खींचकर बाहर निकाल दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया। प्रजापति दक्ष भागने की कोशिश करने लगा, वीरभद्र जी प्रजापति के पास आए, पकड़ा जकड़ा श्रीही धड़ से अलग करके श्रीही हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय, श्री वीरभद्र जी महाराज की जय। पुनः भोलेनाथ का जय जयकार लगाते हुए सभी गण कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर बेचारे खंडित देवी देवता पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, हे ब्रह्मा जी महाराज रक्षा कीजिए हमारी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, खंडित देवी देवताओं की पूजा नहीं होती, सब भागो यहां से। अरे महाराज कहां जाएंगे, मर जाएंगे हम तो ऐसे, क्या बताएं महाराज, भोलेनाथ के गणों ने ये स्थिति कर दी, हम तो गए थे उस यज्ञ में भाग लेने के लिए, हमारा ही भाग छूट गया वहां पर। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं पहुंचे, तुम उस यज्ञ में क्यों चले गए। अरे महाराज हम तो भाग लेने के लिए गए थे, सुबह ही छोड़ा है अपने भाग को, कुछ कीजिए महाराज। तो ब्रह्मा जी महाराज सभी देवी देवताओं को साथ लेकर भोलेनाथ के पास पहुंचे। यहां हमारे भोलेनाथ सती जी के विरह में नितांत एकांत में कैलाश पर्वत पर विरह अवस्था में विराजमान बैठे हुए हैं। जब हमारे भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को आते देखा, खड़े हो गए और ब्रह्मा जी की सुंदर स्तुति यहाँ पे की, आदर सम्मान खूब दिया है। और भोलेनाथ कहते हैं, कहो ब्रह्मा जी महाराज क्या आदेश है मेरे लिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भोलेनाथ आप तो भोले भाले हो, ये बिचारिए ये जो देवता गण हैं आपके गणों ने इनको अंग भंग कर दिया, थोड़ा आप इन पर कृपा बरसाइए। हाँ हाँ बताइए किसको क्या परेशानी है। भृगु मुनि निकल करके आ गए, क्या परेशानी है। भृगु मुनि कहते हैं, महाराज आपके देव आपके गणों ने मेरी दाढ़ी मूछे खींच ली और जब तक भोजन के बाद दाढ़ी पर हाथ नहीं घुमा लेता महाराज मेरा तो भोजन ही हजम नहीं होता। भोलेनाथ आशीर्वाद देते हैं, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, थोड़ी बकरे जैसी दाढ़ी तुमको लग जाएगी। सो जमाना चल गया ना फ्रिंच कट का, ये हमारे भृगु बाबा की दाढ़ी है थोड़ी सी। और बताइए, पूसा देवता कहते हैं, महाराज तो बिना दाढ़ी के भी काम चला लेंगे, अपने नाम के तो दांत ही नहीं है, अब भोजन कैसे करें। भोलेनाथ कहते हैं, भोजन का तो काम ही नहीं है, सतुआ घोर कर पी जाओ प्रेम से, दांत क्या करेंगे। ठीक है महाराज काम चला लेंगे। भग देवता कहते हैं, महाराज तो बिना दांतों के भी ठीक है, हमारे तो आंख ही नहीं है, संसार को कैसे देखें। भोलेनाथ कहते हैं, मेरा आशीर्वाद है तुम मित्र की दृष्टि से देख सकते हो, ये मेरा आशीर्वाद है।